हार्दिक पटेल को अदालत से झटका, नहीं लड़ पाएंगे 2019 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस दौरान कांग्रेस नेता और पाटीदार आंदोलन के अगुआ रहे हार्दिक पटेल को बड़ा झटका लगा है। यह झटका उन्हें अदालत की ओर से लगा है, जिसके बाद वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गुजरात हाई कोर्ट के सामने उन्होंने 2 वर्ष की मिली सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील को ठुकरा दिया है। बता दें कि 2015 में मेहसाना स्थित बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ के केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक अगर किसी शख्स को 2 साल की सजा मिली है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) कहती है कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी मामले में दोषी ठहराए जाने की तिथि में 3 महीने की तिथि तक और अगर दौरान वो अपील दायर करता है तो उसका निपटारा होने तक अपने पद से अयोग्य घोषित नहीं होगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।